रामपुर में भाजपा मोर्चा के जिला कार्यकर्ता की बैठक में पहुंची प्रदेश मंत्री साध्वी गीता। प्रधान का भाजपा मोर्चा की टीम ने जोरदार स्वागत किया। साध्वी गीता प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। इस दौरान साध्वी ने मीडिया से वार्ता कर पूर्व की सरकार सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला। भाजपा के प्रदेश मंत्री साध्वी गीता प्रधान ने कहा कि पूरे देश में सदस्यता अभियान के साथ लोगों को जोड़ा जा रहा है। 50 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। सदस्य बनाने पर प्रदेश सरकार सम्मानित किया जाएगा। आपके सभी सपा और बसपा सरकार देखी, 2019 में मोदी जी की सरकार लाएंगे। केंद्र सरकार ने ही महिलाओं को उज्ज्वला योजना चलाई। अगर महिलाओं की चिंता हुई तो मोदी जी ने ही बेटियों के जन्म पर 14 लाख और 20 साल बाद 14 लाख देंगे। गांव में जाकर पार्टी की योजनाओं की जानकारी दी ताकि लोगों तक पहुंचे, योजनाओं का लाभ दिला सकें। जनधन योजना के तहत देश सबसे ज़्यादा खाते मोदी जी ने खुलवाए हैं। दलितों के हितैषी हैं। अगर कोई दलित का मसीहा है तो वो मोदी जी हैं। गरीब लोगों के लिए 5 लाख का बीमा भी किया गया है। बस आज जिस कार्यक्रम से हमारे अनुसूचित मोर्चे के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में 1 तारीख से 5 तारीख तक का जो लक्ष्य रखा है, उस कार्यक्रम की हम जो बैठक करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इसके बाद कल सदस्यता अभियान होगा। और बस मैं रामपुर की जनता से यही कहना चाहूँगी कि एकत्रित होकर कमल के फूल का 2019 में बटन दबाएंगे सब, और भाई नरेंद्र मोदी की हाथों को मजबूत करने का हम सब काम करेंगे, और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस तरीके से दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, उसको लेकर किस तरीके से आपने मांग की है? दलितों का उत्पीड़न नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी जितने भी कार्य कर रही है वो केवल दलितों के लिए ही तो हो रहा है। ऐसी ऐसी कल्याणकारी योजनाएँ हमारे केंद्र सरकार ने चलाई हैं जो हर दलित वर्ग तक उस योजना का लाभ पहुंच रहा है। तो सोचा कहाँ हो रहा है, हर दलित को सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। कानून व्यवस्था सख्त की गई है।